अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है हमारा डे 5 अरशद भाई वाले चैलेंज का, और आज हमारा मंडे का दिन है, तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं तो 8 बजे का उठा हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है, सारे बर्तन वर्तन गंदे करके बैठा हुआ। आसिया उठ के धो देगी, और अभी हम चल रहे हैं काम पे। तो भाई आज बेसिकली ये जो भी सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि आप लोग मेरे जितने भी कमेंट्स करते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर, तो मेरी कोशिश होती है मैं उन सारे कमेंट्स को जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर सकूं, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट्स में पूछें मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को तफसीलन दे सकूँ। तो ये सिनेरियो है इस इन व्लॉगिंग इन व्लॉग्स का। ये व्लॉगिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता था इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना एक एक करके। तो अभी मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मेन मेन, मैं उनको अगर इस तरह के होते हैं जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ वीडियोस के अंदर, और जो छोटे छोटे होते हैं तो उनको तो मैं कमेंट्स में ही मैं फिर वो कर देता हूँ, कैटर कर देता हूँ। तो आप लोग जो भी सवाल वगैरह हो वो मुझसे मेरे कमेंट्स में पूछ लें, ताकि मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आप उसको जवाब भी सुन सकते हैं मुझसे। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं काम पे, और वहाँ जाके फिर जो अभी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके सवालात में आप लोगों जवाबात में आप लोगों को दूंगा। बट आज थोड़ी सी सर्दी है, वैसे -7 है, फीस लाइक -7 चल रहा है। तो नहा धो के और निकलते हैं अब। बट अच्छा है, नॉर्मल है, वो -17 -18 -20 से तो बहुत बेहतर है, -7 इट्स गुड। तो इंशाल्लाह चलते हैं, नहा धो लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं काम के लिए। अच्छा भाई, तो हमारी सवारी तैयार है निकलने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिनलैंड में सूरज निकला हुआ है। फिनलैंड का सूरज बहुत तेज़ होता है, तेज है ना, सेंस के आप सूरज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इतना इतना ब्राइट शाइन करता है ये। तो अब मैं अगर आपको दिखा सकूँ ना, तो आपको देखेंगे ना वो कुछ भी, मतलब आपको देखने ही नहीं दे, एक नज़र उठा के नहीं आपको अपनी तरफ देखने देगा ये। उसकी वजह भी ये है कि फिनलैंड आर्कटिक सर्कल से थोड़ा सा ऊपर है, ज़ाहरी बात है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये आर्कटिक सर्कल से ऊपर है, तो सूरज आपको निगाह भी नहीं डालने देगा। और इवन अगर सूरज आइस पे पड़ रहा है और आइस पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके भी आपकी आंखों में लग रहा है ना, तो भी आप उस आइस को भी नहीं देख सकते। कल मेरे साथ ये हुआ, आइस पड़ी हुई थी और सूरज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँखों में पड़ रहा था, तो मैं उस आइस को भी नहीं देख पा रहा था, मतलब मुझे साइड पर देख के चलाना पड़ रहा था। तो फिनलैंड में बहुत ख़तरनाक धूप की शिद्दत नहीं होती है, उसमें गर्मी नहीं होती है, बट जो उसका ब्राइटनेस होती है ना, उसकी शाइन होती है ना, वो आपको उसकी तरफ देखने भी नहीं देगी। तो बस मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को सूरज के दर्शन भी करा देता हूँ। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग दोबारा से? तो भाई मज़ा आ रहा है धूप में खड़े होने में, मैंने सोचा धूप में खड़े में तो एक वीडियो ही बना लेते। तो आपको बताना ये था, मेरे पास अभी 2-3 वो आ गए हैं कमेंट्स वगैरह मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने सोचा आप लोगों को मैं फिर साथ साथ गाइड भी करता चलूँ। तो ज़रूर देख लीजिएगा भाई, वीडियोस पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। इसी तरह से मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले मुझसे किसी ने पूछा कि नर्सिंग फील्ड का स्कोप है या नहीं है। देखिए भाई, मैंने जैसे पहले भी बताया यार, हर फील्ड का स्कोप है। एक मिनट, मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ। अच्छा जी सॉरी, तो जैसे मैं बता रहा था कि देखें, हर फील्ड का स्कोप है। फिनलैंड ऐसा नहीं है कि फिनलैंड में किसी चीज़ का स्कोप नहीं है। ये जो फील्ड आपकी है, नर्सिंग, डॉक्टर वगैरह, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। बट मसला सारा यहाँ पे आके अटकता है कि इनकी लैंग्वेज में, हर वीडियो में बता चुका हूँ, लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपकी नर्सिंग की फील्ड बेहतरीन फील्ड है, अगर आपको लैंग्वेज आती है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी हर एक चीज़, इनकी ऑफिस लैंग्वेज, ऑफिशियल जो हॉस्पिटल्स की भी लैंग्वेज है, वो सब फिनिश है। तो आप फिर वो नहीं कर सकते, जाहिरी बात है ना, फिर प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। तो लैंग्वेज हो जाए तो फिर आपको उसमें ईजीली वो हो जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ मुझसे किसी ने पूछा, वर्क पर विज़िट मतलब विज़िट के ऊपर फिनलैंड आए तो वो वर्क विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए भाई, हो जाएगा,
अगर आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब सिक्योर कर लेते हो और कंपनी आपको जॉब लेटर दे देती है, उस बिहाफ पे ऊपर आप अपना वीज़ा डाल दें। जो ये इतना आसान नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहने वालों को बेचारों को जॉब नहीं मिल रही है, तो ये मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा अगर आपको वीज़ा, मतलब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं और यह कंपनी में किसी ने आपको जॉब दे दी और आपने अप्लाई कर दिया, तो मतलब अप्लाई किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 37.5 आवर्स पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उन्होंने, तो आपका काम हो जाएगा। आप उसी बेसिस के ऊपर अप्लाई करके उस विज़िट वीज़ा को फिर जो है अपने रेजिडेंस परमिट वगैरह में कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मास्टर, थर्ड क्वेश्चन ये है कि मास्टर स्टूडेंट्स को सेट होने में कितना टाइम लगता है। भाई पहले की तो नहीं पता, मैं आज अभी बताऊं तो मैं अपनी भी बात करूं या अपनी वाइफ की बात करूं एज अ मास्टर स्टूडेंट, तो मुझे लगता है उसको भी यहाँ पे सेट होने में 3 से 4 साल लगेंगे जो कंडीशंस अभी चल रही हैं, ठीक है। और उसमें उस बीच में अगर वो लैंग्वेज सीख जाती हैं तो उसको शायद और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगी और अच्छे तरीके से थोड़ा जल्दी सेट हो जाएंगी। 1.5 साल इसमें से कम हो जाएगा, 2 साल में सेट हो जाएंगी अगर वो लैंग्वेज सीख लेती हैं। तो इतना टाइम लगता है आप लोगों को सेट होने में, फिनलैंड आके मास्टर्स प्रोग्राम के बाद भी 2-3 साल 4 साल तक लगते हैं सेट होने में। भाई ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें और बहुत मुश्किल होती हैं, सिर्फ देखने में आसान लगती हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बट ये रियलिटी कुछ और ही होती है यहाँ पे आके। तो कहते हैं ना कि परदेश काटना आसान काम नहीं होता भाई, और परदेश भी ऐसा जहाँ पे एक तो वेदर आपका दुश्मन हो, साथ में आपको जो है ना जॉब्स की मुश्किलात वगैरह फेस करनी हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर ये दो तीन सवाल थे मेरे पास, अभी और जो सवाल आते हैं फिर मैं उनके जवाब आपको ऐसे ही थ्रू आउट द डे देता रहूँगा, ठीक है। तो मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके भाई लोगों, तो हमारा हो गया दिन ख़त्म ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, नॉट बैड। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा लिडिल पे आके शॉपिंग कर लूँ, और लिडिल बेसिकली जो है सबसे अच्छा जो है सुपरमार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑलमोस्ट आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो मैंने आज थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी ली है, और अंडे ख़त्म हो गए थे वो लिए हैं, और जैम लिया है, तो ये चीज़ें मैंने ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी घर जा रहे हैं, और भूख बहुत लग रही है आज क्योंकि मैं सुबह 10 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, तो बस वो निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। इंशाल्लाह घर पहुँचते हैं फिर आप लोगों से पहले तो देखेंगे कि आसिया ने क्या बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर अगर आपके कुछ सवाल मेरे जहन में आए तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, वरना कल एक बड़े मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, तो कल का वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत मज़ेदार वीडियो होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी मैं घर जाता हूँ, फिर खाने वाने का प्रोग्राम देखते हैं, मिलते हैं आपसे घर पे पहुँच के। भाई घर हम पहुँच गए हैं और अब हम खा रहे हैं खाना, ये हमारी कल की बिरयानी जो वो मैंने कल जिक्र किया था, बहुत मज़े की बनी थी, और मैं 3 प्लेटें खा गया था, प्लेट्स नॉट प्लेटें। वो केक हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे, बड़े मज़े के केक बनाए इन लोगों ने, और अभी हम आपको दिखाते हैं वो केक भी। और ये है कढ़ाई गोश्त, ये भी इंशाल्लाह। भाई ये केक बन गए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार आसिया ने बनाए हैं 2 केक्स, और खाना हमने खा लिया है, अब हम केक और चाय भी खाएंगे। अच्छा जी, तो आज का दिन हो गया ख़त्म, और हम खाना वाना खा के चाय वाय पी के बैठ गए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक मज़ेदार व्लॉग के साथ, कल का व्लॉग बहुत अच्छा होगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा बहुत। तो खैर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल एक अच्छे व्लॉग के साथ। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे हो, आई होप कि मैंने सबके आंसर कर दिए हूँ आज के व्लॉग के अंदर, बट कोई भी आंसर क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर भी कर दूंगा क्वेश्चंस के। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।